आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए देखो बहुत ही बुरी खबर आई है। आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर निकल के नहीं आ रही है। अब जो है देखिए, आर्मी में आपका रनिंग से पहले ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा और यह जो है फाइनल हो चुका है। इसको लेकर जो है इंडियन आर्मी के द्वारा MOU साइन कर लिया गया है। पूरा का पूरा आपको अपडेट देंगे क्या अपडेट है। रनिंग से पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी। आर्मी वाले युवाओं के लिए देखो बहुत बुरी खबर है ये कि अब आर्मी में फिजिकल देने से पहले आपको जो है ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना होगा। जैसा नेवी और एयरफोर्स में होता आया है, वैसा ही जो है आप सबके साथ भी यहां पर होने जा रहा है। तो क्या जानकारी है, पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा क्या, इसी साल से लागू होगा या फिर अगले साल से होगा, पूरा डिटेल्स जो है आपको यहां पे देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी सबको लाइक कर लेंगे, इसके साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों तक जो भी आर्मी का तैयारी करना चाह रहे, जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। यहां पर आपको इंडियन आर्मी के एग्जाम की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। चलिए तो देख लेंगे सबसे पहले। तो ध्यान में रखना कि आपकी देखो यहाँ पर जो है आज ट्वीट आया है इंडियन आर्मी के द्वारा, कल ये किया गया था, जिसमें कि MOU वॉज साइन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड फॉर कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम #CEE फॉर द रिक्रूटमेंट। इंडियन आर्मी का यह कहना है कि अब जो उन्होंने एक MOU साइन कर लिया है, उन्होंने डील कर लिया है एजुकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड से, जिसमें अब वो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को रिक्रूटमेंट के लिए। द ऑटोमेटेशन विल ट्रांसफॉर्म द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, और जो ये प्रोसेस है ये बच्चों को काफ़ी मदद करेगी, ये चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है। देखिए इससे जो है अब काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए कंपटीशन, क्योंकि और जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो पेपर भी टफ आएगा, ये आप पूरे तरीके से फाइनल समझिएगा। अब बात यहाँ पर यह होती है कि ये किस साल से लागू होगा, तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये देखो आपकी 2022 वाले भर्तियों पर लागू नहीं होगी, ये जो है आपको देखो जितनी भी 2023 की नई भर्ती आएगी उसमें जो है ये लागू होने जा रही है, 2022 के भर्तियों में यह जो है लागू नहीं होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जिनका भी एग्जाम अभी जनवरी महीने में और फिर फरवरी मार्च में जो है नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उनमें जो है ये लागू किया जा सकता है, पर इसकी सिर्फ संभावना है क्योंकि अभी तक इनमें भी लागू होने के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। तो ऐसा पूरा चांस है कि 2023 से जो है आपकी अब पहले परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर इनके द्वारा जो है MOU साइन किया गया, इनके बीच एक मीटिंग हुआ था जिसमें कि इन्होंने जो है देखो आपस में MOU को यहाँ पर साइन कर लिया है। अब जो है आपकी इनकी पूरी प्लानिंग है, देखो डील हो चुकी है जिसमें कि ये लोग जो है आपके एग्जाम को ऑनलाइन करवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर क्या 2022 वालों के साथ ऐसा होगा, तो नहीं, 2022 वाली भर्तियों में ऐसा लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि जो 2022 की भर्तियाँ हैं उनको लेकर तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिनका दौड़ हो चुका है उन सब में ये सब लागू नहीं होगा, उनकी पहले जो है यहाँ पर दौड़ ही होगी, वो दौड़ हो चुकी है, उनकी जो एग्जाम डायरेक्टली देखो होने वाली है, ठीक है। तो 2022 की भर्तियों में ये लागू नहीं होगा, पर हाँ 2023 में जितनी भी भर्तियाँ होने वाली हैं या फिर जो एग्जाम होने वाली हैं उनमें आप कह सकते हैं कि आपका जो है ऑनलाइन का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या जो जनवरी में GD ट्रेडमेंट का एग्जाम होगा उसमें लागू होगा या फिर जो फरवरी मार्च में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उसमें लागू होगा, तो अभी तक देखो इसके लिए कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद यह है कि इन दोनों में भी जनवरी और फरवरी वाले में भी ये लागू नहीं किया जाएगा। जो 2023 में जो नई भर्तियां निकाली जाएंगी अग्निवीर की, जो कि देखो आपकी मार्च महीने से नई भर्तियां आने वाली है अग्निवीर की, GD की, ट्रेडमैन की, क्लर्क की और आपकी वुमेन मिलिट्री पुलिस से सबकी जो भर्ती आएगी 2023 में मार्च महीने से, उसमें जो है देखो आपकी पहले ऑनलाइन एग्जाम करवाई जाएगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल भी अच्छा खबर नहीं है। जितना भी बच्चा इंडियन आर्मी का तैयारी करता है उन सबको ये पता है कि ये न्यूज़ उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनसे इससे उनको कहीं ना कहीं एक बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के देखो जितने भी बच्चे होते हैं वो फिजिकल में काफ़ी अच्छे होते हैं और रिटर्न उनका पहले नॉर्मल होता था, पर अगर अब इंडियन आर्मी मानो पैसे देकर अपने द्वारा अगर आपकी एग्जाम को ऑनलाइन करवाएगी तो अब ये पूरी उम्मीद है कि अब जो है आपसे फॉर्म भरने के पैसे भी लिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो है देखो अब से आपकी एग्जाम को कुछ टफ भी ये लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपकी पेपर है वो थोड़ी टफ आ जाएगी, तो अब आपको पढ़ाई में पहले से ही लगना होगा, अब जो आपको अपने पढ़ाई पे और भी ध्यान देना होगा, ये नहीं कि दौड़ मार लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, अब ये नहीं चलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे इनके बीच जो है डील हो चुकी है, इनके बीच जो है देखो MOU साइन कर लिया गया है जिसमें कि अब जो है आपकी ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन करवाने की जो है यहाँ पर जो है आपकी आर्मी परीक्षा ऑनलाइन करवाने की इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। तो यही अपडेट है, अब आपकी आर्मी परीक्षा ऑनलाइन हो जाएगी। अब जैसा आप देखते आए हैं कि एयरफोर्स का होते आया है, नेवी का होते आया है, वैसे ही जो है आप लोग के साथ भी होने वाला है, यही जो है जानकारी है, यही जो है आपके लिए अपडेट है। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे।